हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो केक। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखलाती हूँ ये केक कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत टेस्टी भी होती है। ये देखिए, तो चलिए आज हम इसे बनाते हैं। मैंगो केक बनाने के लिए ये मैंने एक बड़ा आम लिया है और इसे हम पहले छील के और काट लेते हैं। इसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है छील के। ये मैंने आम को काट लिया है। अब हम इसे एक मिक्सी जार में लेते हैं, ये एक कप के करीब है। तो इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे। चीनी आप आम अगर खट्टा होगा तो उसी हिसाब से ज़्यादा डालें, और कम होगा अगर आम मीठा होगा आप उसी हिसाब से चीनी डालें। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं। अब इसी जार में हम डाल लेंगे आधा कप सूजी और एक कप मैदा। आधा कप ऑयल, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे मेल्टेड बटर ले सकते हैं। अब हम इसे पहले एक बार ब्लेंड कर लेते हैं, चला लेते हैं इसे एक बार मिक्सी के जार को। इसमें हम डाल देंगे आधा कप दूध। ये दूध आप रूम टेम्परेचर पे डालें, फ्रिज का ठंडा दूध हमें नहीं लेना है यहाँ पे। और फिर इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक केक का बैटर जो है रेस्ट करे, तब तक हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बटर पेपर लगा लिया है। आप चाहें तो बटर पेपर नहीं है तो आप उसमें तेल लगा के और ग्रीस कर सकते हैं, और रिफाइंड से या आटा से आप उसे डस्ट कर ले। और चूंकि मैं ये अब ओवन में नहीं बना रही, तो मैं तब तक कढ़ाई को गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज की कढ़ाई है तो उसे मैंने ले लिया है। और उसमें ये स्टैंड डाल देती हूँ। आपके पास अगर ये स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी वगैरह ले सकते हैं, उसको नीचे डाल सकते हैं। और इसे ढक देते हैं। ये बड़े से बर्तन से मैं ढक दे रही हूँ इसे। अब हमारा ये ओवन पहले गर्म हो रहा है, ये हमारा ओवन बन के तैयार हो गया। तो पहले हम इसे ही गर्म करते हैं। केक के बैटर को रेस्ट किए हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है खाने वाला वो। और इस पे से हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे दो चम्मच के करीब। और इसे अब मिक्स कर देना है हमें। केक के बैटर का फ्लो ऐसा होना चाहिए। हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम ज़्यादा केक को नहीं मिक्स करेंगे केक के बैटर को। अब हम इसे हम इस मोल्ड में डाल देते हैं। ये मैंने सारा डाल दिया इसमें बैटर को। अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर देते हैं, जिससे कि अंदर जो जितनी भी एयर होती है वो निकल जाएगी इस टैप करने से।
अब हम देखते हैं कि हमारा ओवन जो है वो हीट हो गया है, तो अब हम इसको उसमें डाल देते हैं। ये हमने जो ओवन तैयार किया है वो हीट हो गया है, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं। और गैस को मीडियम कर देते हैं और आधे घंटे तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ना है। गैस को मीडियम कर दे और आधे घंटे तक हमें पहले इसे इसमें डाल के और पकाना है, बेक करना है। उसके बाद फिर हम खोल के देखेंगे कि हमारा केक तैयार है या नहीं। आधे घंटे हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि केक हमारा बन गया है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए एक चाकू ले लें और इसमें अंदर डाल दें और निकालें। ये थोड़ा सा भी और होगा, हम इसे 5 मिनट और बेक होने देते हैं, यानी कि टोटल 45 मिनट्स लगेंगे इसे बेक करने के लिए। ये आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि ये जो आपका आपने बनाया है ओवन वो कितना टाइम लेता है, तो एक बार आप जरूर चेक कर ले उसे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब हम इस केक को निकाल लेते हैं। केक जो है वो ठंडा हो गया है, अब हम इसे साइड से पहले हल्का सा निकाल लेते हैं। चाकू ऐसे करके आप लगा दें इसमें। प्लेट लेके और इसे हम पलट दें और हल्का सा हाथ से टैप कर दें। ये देखिए, ये केक बनके तैयार हो गई। इसे सीधा कर देते हैं। और थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो पल्प लिया है, मैंगो को ग्राइंडर में पीस लिया अच्छे से। अब हम इसे इस पे फैला देते हैं। कटे हुए आम को सजा देते हैं। ये हमारा मैंगो केक बनके तैयार हो गया।